हेलो एंड वेलकम बैक। सो आज हम बात करेंगे कि एक न्यू कमर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में जब आता है तो उसको पहले मंथ में कितना खर्चा करना पड़ता है, उसके टोटली मंथ के कितने अखराजात होते हैं। सो आज हम बात करेंगे उस वीडियो पे। सो लेट्स टॉक अबाउट। जो खर्चे आते हैं उनमें सबसे पहले एक्सपेंस में आता है कि आपका हाउसिंग एक्सपेंस। जब एक न्यू कमर ऑस्ट्रेलिया में आता है तो फर्स्ट एक्सपेंस उसको जो करना पड़ता है वो घर का करना पड़ता है। इसके लिए आपके पास दो ऑप्शन है, आइदर आप जो है वो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स में रह लें या आप लोग मिलके एक अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो रेंट कर लें। इन दोनों में जो है आपके अखराजात बिल्कुल थोड़े से ज़्यादा कम इनका 19-20 का फ़र्क होता है, लेकिन जो होटल जो यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स होते हैं उनमें आपके लिए कुछ लिमिटेड होते हैं, लाइक कि आपको एक सेपरेट रूम दिया जाता है और सब लोग जो है वो सेपरेट रहते हैं। लेकिन जबकि प्राइवेट रूम में आप लोग मिलजुल के रहते हैं और इन दोनों का मिल बांट के आपको मंथली जो है वो इसका एक्सपेंस तकरीबन आई थिंक रफली 550 या 600 के करीब जो अगर हम इसको वीकली पे ले जाएं तो 120 से लेके $180 पर वीक जो है आप इसको आपको रेंट पड़ सकते हैं। द सेकेंड मोस्ट एक्सपेंस जो कि आपका आता है वो होता है ग्रोसरी का। मोस्टली लोग क्या करते हैं, इसमें भी आपके पास दो ऑप्शंस हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो बाहर से खाना खाते हैं, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि आप लोग जो है वो खाना बनाना सीखें और घर पे खाना बनाएं। उससे ये होता है कि एक तो आप अपने पैसे खर्चे बढ़ सकते हैं, आपके पैसे कम लगेंगे, और दूसरा ये है कि जब मिल के जब खाना बनाएंगे तो उसमें आपका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, और उसमें ये होगा कि आपका वीकली रफली 100 से लेके 150 तक ले जाता है, जिसमें लग्जरी आप कह सकते हैं कि आपकी फूड होगी, फ्रूट्स होंगे, लाइक हम क्या कैसे रहना चाहते हैं। इसका अखराजात कम भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मली एक अच्छा जिसमें आप एक अच्छी फूड आपको हो सकती है, जिसमें सब कुछ आपका इंक्लूड है, फूड है, चिकन है, वेजिटेरियंस है, एवरीथिंग इंक्लूड होता है, ये वीकली तकरीबन आपको ले जाता है 120 से लेके 150 तक। इसके बाद जब आप जो आपका एक्सपेंस आता है वो आता है यूनिवर्सिटी की फ़ी। देखिए यूनिवर्सिटी की जो फ़ी होती है मोस्टली कुछ लोग ही होते हैं कि जिनकी फ़ीस जो है वो उनके कंट्री से या तो वो लोन लेके आते हैं या उन्होंने यहाँ पे आके खुद फ़ी करनी पड़ती है, फ़ी पे करनी है। तो इन दोनों सिनेरियो में ये होता है कि कुछ लोग जिन्होंने खुद फ़ी पे करनी है उनका जो है वो मंथली एक्सपेंस बढ़ जाता है। उसे ये होता है कि उनको काम भी ज़्यादा करना पड़ता है। तो रफली सेमेस्टर की फ़ी जो है वो आपको यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है कि यूनिवर्सिटी कितना चार्ज कर ले, उसके बरकस जो है ना स्टूडेंट्स जो है वो सेविंग करते हैं। तो नॉर्मली जो मेरे ख्याल से कॉलेजेस से अगर स्टार्ट करें और यूनिवर्सिटी तक जाएँ तो रफली पर मंथ $1,000 से लेके $3,000 तक आपको सेव करना पड़ सकता है अगर आप खुद कमाएंगे, और अगर आपको बैक कंट्री से आ रही है तो इट विल बी फाइन फॉर यू। उसके बाद आपके अखराज आ जाते हैं गाड़ी के। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में हैं तो आपके पास इसमें भी दो ऑप्शन हैं, या तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें या आप गाड़ी का इस्तेमाल करें। मैं प्रेफर करता हूँ कि न्यूली कमर जो है उनके लिए रिकमेंड करूँगा वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने से ये होगा एक तो आप सिटी के करीब रह रहे हो, नंबर दो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अफोर्ड करने से ये होगा कि आपके अखराजात कम आएंगे। लेकिन अगर आपकी गाड़ी अपनी होगी तो उसमें एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। तो नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो है वो वीकली $60 से लेके $100 तक जो है वो खर्चा आ जाता है, डिपेंड ऑन कि आप कितने दिन इसको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर आपकी अपनी पर्सनल गाड़ी है तो पर्सनल गाड़ी में आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, आपकी इंश्योरेंस भी आ जाएगी, आपकी उसमें गाड़ी की मेंटेनेंस भी आ जाएगी, आपकी रोडवर्दी भी आ जाएगी, उसमें काफ़ी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, और आपके एक्सपेंसेस जो है वो 100 से लेके तकरीबन $300 तक जा सकते हैं, क्योंकि गाड़ी में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम निकल आ सकती है। उसके बाद हम लास्ट बात करेंगे, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जिसमें हम बात करेंगे इंटरटेनमेंट कि इंटरटेनमेंट में अगर आपने मूवी देखनी है, आपने क्रिकेट मैच देखने जाना है, या आपने कैसीनो जाना है, या आपने क्लब जाना है, तो नॉर्मली वीकली इसका जो आपका खर्चा $100 से लेके 150 तक आपका खर्चा आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें कि रफली पूरे मंथ की एक न्यूली कमर के लिए जो खर्चा जो उसके एक्सपेंसेस होते हैं वो $800 से लेके तकरीबन लगभग $1,200 तक होता है, डिपेंड्स ऑन कि आप कितनी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं। अगर आप वो पंजाबी में क्या कहते हैं कि जितना गुड़ डाल लें उतना मीठा होगा, तो इट्स ऑल अबाउट है कि आप अगर एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेंगे तो आपके $800 से $1,000 तक जाएंगे, लेकिन अगर आप एक लग्जरी लाइफ की तरफ जाएंगे तो इट कैन बी अप टू $1,500। सो दैट्स रफली एक आइडिया जो है वो आपको दिया है कि एक न्यूली कमर के लोग को क्या करना पड़ सकता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड आई विल सी नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।